परमेश्वर, ये नागमणि है, नागलोक की मुकुटमणि। नागलोक की ये तेजस नागमणि इतने दिनों तक मेरे गले में ही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। स्वामी जी के कहने के अनुसार शुद्र शक्तियों से बचने के लिए मुझे इस नागमणि को कहीं छुपाना होगा। अगर मैंने इसे आपके पास छुपा दिया तो संसार की कोई भी शक्ति इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इस नागमणि को आपके पैरों के नीचे छुपा रही हूं। अगली घोर कारकोटक अमावस के दिन यहां आकर मैं इसे वापस ले जाऊंगी परमेश्वर। तब तक ये नागमणि आपकी जिम्मेदारी है भगवान। कहाँ गई होगी शिवानी? कहाँ होगी वो? मैंने सोचा था इस रूप से मेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन इससे तो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और इससे शिवानी भी संकट में आ गई है। उसकी रक्षा करने की बजाय मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ हो तुम शिवानी? आपको कुछ हो ना गया हो, इसीलिए आपको देखते ही मुझे कुछ हो जाएगा। इस बात का डर आपको क्यों है? डर तो लगेगा ही ना। वही पूछ रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप मेरी क्या? वो मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, तो आपसे कुछ पूछना था मुझे। क्या बताऊं मैं आपको, मारने वाले खुद मर गए या फिर अपने दुश्मनों को मैंने ही मार डाला? ये क्या कह रही हैं आप? सच, दुश्मन मारे गए हैं ये सच है, और उन्हें मैंने मार डाला ये भी सच है। कौन थे? वही रुद्राक्षायणी और तृष्णा। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने क्या किया? उन्हें क्यों मार डाला? उन्होंने कहा कि मेरे त्रिशूल को उन्होंने बंधन में रखा है और कहा कि उसे मार डालेंगे, और फिर मुझे मारने के लिए ले गए, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। तो फिर अब वो लोग, उनके शव जेनुमले पहाड़ में आपको मिल जाएंगे। मुझे विशेष शक्तियां देने में
आपको कोई रुचि ही नहीं है ना, इसलिए आप मुझे सांत्वना दे रहे हो। इस व्यंग की जरूरत नहीं है मायंगनी। मेरी किसी भी प्रदान की हुई शक्तियों से तुम्हें भूलोक में उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर अब मैं क्या करूं गुरुदेव? भूलोक में पूर्व दिशा की ओर जाओ। वह धर्मांचल मध्यागिरी जगह के पास परमेश्वर का एक स्थल है। वहाँ महाशक्ति के हाथों स्थापित किया हुआ शिव की एक सुंदर मूर्ति है। तुम्हें वहां जाकर पूजा करनी होगी। वहां पूजा करने के बाद शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो वो तुम्हें शक्तियां प्रदान करेंगे। उन शक्तियों से तुम अपने नग्न नेत्रों से इंसान के रूप में कौन है, नाग रूप में कौन है, दुष्ट कौन है, धोखेबाज कौन है, ये तुम अच्छे से जान पाओगी। सिर्फ उन शक्तियों की मदद से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आदिशेष कहाँ है। जैसा आप कहें गुरुदेव। गुरुजी, गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ दिग्विजय, इतने डरे हुए क्यों? कृष्णा और दक्षायणी नजर नहीं आ रही। तो इसमें घबराने की क्या बात है? वैसे भी वो लोग जादू टोना वाले हैं। अगर वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं बैठकर जादू टोना कर रहे होंगे। इसमें इतना डरने की क्या बात है? डरने की बात है गुरुजी, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें पता चल गया है कि नागमणि कहाँ है। नहीं लगने दूंगा, कल की आई हुई उन लड़कियों के हाथों में नागमणि नहीं लगने दूंगा। मैंने अभय को सब कुछ सच सच क्यों बताया? एक तो वो पुलिस वाला है, त्रिशूल को जो बात बतानी चाहिए थी वो बात मैंने अभय को क्यों जाकर बता दी? हे भगवान, उनकी वजह से मुझ पर कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। Excuse me. आओ, आइए। किसी गहरी सोच में डूबी हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। आपके दिमाग में अब भी उन दोनों की मृत्यु की बातें घूम रही है ना? और इस बात से आप डर रही हैं कि आपने उस सच को मुझे आखिर क्यों बताया? Am I right? हाँ, मैं उसी बारे में सोच रही थी। और फिर आप पुलिस वाले हैं, बिना डरे और बिना सोचे समझे मैंने उन दोनों को मार दिया और ये मैंने आपको बता दिया। इससे आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मर्डर करना कोई साधारण बात नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आप उसे किस तरह लेंगे। उन दोनों के खून के बाद मेरे मन में ना कोई पश्चाताप है और ना ही कोई दुख है और ना कोई डर है। मुझे तो लगता है जैसे उन दोनों को उनकी गलती की सजा मिली है। इसका मतलब इसकी वजह से होने वाले हर नतीजे का आप सामना करने के लिए तैयार है। और कोई रास्ता भी तो नहीं, कुछ नहीं कर सकती थी मैं, सामना तो करना ही होगा। ओम ज्वालामालिनीये नमः, रुंडमालिनीये नमः, रक्तप्रियाये नमः, मार्ग चक्र आवाहयामी, मार्ग चक्र। इसके साथ रहने वाली वो दो मंत्रवादिनियां कहां पर हैं? दिखा दो। चलो, आपको देखती हूँ तो लगता है जैसे आप मेरे शुभचिंतक हैं। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिर्फ शुभचिंतक नहीं, आप मेरे लिए बहुत जरूरी हैं ऐसा लगता है। लेकिन क्यों ये नहीं पता। देखते हैं, अगर समय ही सबका जवाब देता है तो उस समय के आने का इंतजार करते हैं, पता चल जाएगा। जैसे ये बात आपने मुझे बता दी, किसी और से कहने मत जाना। मैं चलता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हूं शिवानी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। गुरुजी, अब क्या हुआ? वहां देखिए, गुरुजी, नागमणि
नागमणि। कृष्णा, 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 दाक्षायणी, दाक्षायणी, दाक्षायणी। गुरुजी, इन दोनों को क्या हुआ? ये बेहोश क्यों हैं? नागमणि, नागमणि कहाँ है? इनकी मृत्यु हो गई है। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? जो मृत्यु को जीतने आई थी, उन्हें मृत्यु ने हरा दिया है। गुरुजी, ये महामंत्रवादी हैं, महाशक्तिशाली हैं, इनका हार जाना असंभव है। इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अगर ये सच है तो ये किसका काम हो सकता है? विष प्राशन हुआ है। मतलब नाग विष प्राशन? नहीं, नागमणि का विष प्राशन। इनकी मौत नागमणि की वजह से हुई है, क्योंकि इनके शरीर पर नाग दंत के निशान नहीं हैं। इनके शरीर में जो दिखाई दे रहा है वो है महाकारकोटक विष, और ये विष सिर्फ नागमणि में ही होता है। अगले सूर्यास्त से पहले इनका शरीर पिघल कर गायब हो जाएगा। गुरुजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दोनों नागमणि की वजह से कैसे मर सकती हैं? शायद नागमणि की सही विधि विधान से पूजा ना करके उसकी शक्तियाँ हासिल करने की कोशिश करने के कारण इनकी मौत हो गई होगी। शायद यही हुआ होगा। तो फिर नागमणि कहाँ है गुरुजी? वो मंडल के बाहर, कहीं नहीं जा सकती, कहीं किसी स्थान पर बिल्कुल सुरक्षित है। तो फिर नागमणि को हासिल कैसे करेंगे? नागमणि को हासिल करने के लिए अब कोई तंत्र मंत्र हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब सबसे पहले हमें आदि शेष का पता लगाना होगा। एक वही है जो हमें नागमणि दिला सकता है। मैं इस नागमणि को आपके पैरों के नीचे छुपा रही हूँ। अगली घोर कारकोटक अमावस के दिन यहाँ आकर मैं इसे वापस ले जाऊंगी परमेश्वर। तब तक ये नागमणि आपकी जिम्मेदारी है भगवान। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। बोलो बेटी, क्या बात है? मेरा मन बहुत अशांत है स्वामी जी। जब उस परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो किस बात का डर? जब सबकी रक्षा करने वाले उस परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है तो किस बात का डर? एक अजीब सी अशांति है, अजीब सी बेचैनी है। जब तक त्रिशूल को देख नहीं लेती, उससे बात नहीं कर लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उससे मिलने का कोई उपाय बताइए। मुझ पर दया कीजिए स्वामी जी, बता दीजिए। तुम उससे मिल नहीं सकती। जब सही समय होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये उस परमेश्वर का आदेश है, और इस आदेश को नकार कर भी अगर तुम उससे मिलना ही चाहती हो तो जो नागमणि तुम्हारे पास है ना, उसकी मदद लेकर आदिशेष के स्थान के बारे में पता लगाओ। तब जाकर तुम अपनी सभी बेचैनियों से मुक्त हो पाओगी। नहीं स्वामी जी, नागमणि का उपयोग करके आदिशेष के स्थान के बारे में मैं पता नहीं लगा सकती। क्यों? एक कारण है स्वामी जी। उस दिन मुझे वचन दो शिवानी, जब तुम नागमणि को हासिल कर लोगी तब तुम उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करोगी। उस परम शिव को साक्षी बांधकर कहो। मैं आपको वचन देती हूँ गुरुदेव, नाग लोक को साक्षी मानते हुए, नाग सागर को साक्षी मानते हुए, नाग भरण परमेश्वर को साक्षी मानते हुए, इस नाग लोक की कसम, नागमणि को मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी उपयोग नहीं करूंगी। अपने स्वार्थ के लिए मैं इस महाशक्ति का
दुरुपयोग कभी नहीं करूंगी। ये मेरा वचन है, वचन है। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर भगवान के आदेश अनुसार नागमणि को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकती। मैंने महागुरु को इस बात के लिए वचन दिया है स्वामी जी। हे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान फैलाने वाले महेश्वर, आपकी परम भक्त आपकी सभी परीक्षाओं में सफल हो रही है। अतिशीघ्र ही अघोर कारकोटक अमावस्या से पहले तुम दोनों का संगम होने वाला है। चिंता मत करो दिग्विजय, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ ये महायज्ञ है। इस यज्ञ के फल स्वरूप नागलोक का राजा आदि शेष जहाँ कहीं भी है, जिस रूप में भी है, मुझे उसका पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले माँ ज्वालामालिनी की पूजा करनी होगी। ओम ज्वालामालिनीये नमः। ओम रुंडमालिनीये नमः। ओम रक्तार्क प्रियाय नमः। नागाकुल शत्रुवे नमः। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी के साथ गलत होने वाला है? अगर गलत होने भी वाला है तो किसके साथ? और ये सब कौन कर रहा है? क्या इस घर में किसी के साथ गलत होने वाला है, या फिर जो इस घर में नहीं है उसके साथ? अब है सुनिए, मेरा मन कह रहा है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है। आप मेरी बात मान लीजिए। अब है मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता, जो मुझे लगता है वो हमेशा हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। शिवानी जी, मैं यहाँ हार मानकर दुम दबाकर भागने के लिए नहीं आया। इस घर में जो भी राज छुपे हुए हैं उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने मैं यहाँ आया हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। देखिए, ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, अगर बता भी दो तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कई सारी उलझने हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपके पति को भी कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। ज्वालामालिनीये नमः, रुणमालिनीये नमः, क्षुद्रगणनायिकाये नमः, चण्डाये नमः, प्रचण्डाये नमः, मंत्रपोता आवाहयामि, मंत्रपक्षी आवाहयामि, ओम कपोत पक्षी आवाहयामि। ज्वालामालिनी माँ, इस भक्त की पुकार सुनकर आपने आखिर माया कपोत को भेज ही दिया। नमो नमः माँ, नमो नमः। आओ कपोत, आओ। ये कबूतर उड़ते उड़ते हमें रास्ता बताएगा, बिल्कुल विश्राम नहीं लेगा। ये जिस पर भी जाकर बैठेगा वही निसंशय रूप से आदिशेष होगा। जाओ कपोत, हमें रास्ता बताओ। अगर मुझे मेरा आदिशेष मिल जाए तो मेरे भविष्य के सारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन ये सब कैसे होगा? कौन मेरी मदद कर सकता है? हाँ, मैं नागलोक जाती हूँ, वहां जाऊंगी तो जरूर मुझे कोई मदद मिल जाएगी। नागलोक में नाग मुझे जैसे मार्गदर्शित करेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, यही ठीक होगा, वही मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
प्रणाम गुरुदेव। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये क्या बात हुई गुरुदेव? मैं नागलोक में प्रवेश भी नहीं कर सकती? जो लोग नागलोक के नियमों का पालन नहीं करते वो प्रवेश भी नहीं कर सकते। गुरुदेव, हमारे पास अब इतना समय नहीं है। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नागमणि को नागलोक वापस लेकर आना ही होगा, और ये सिर्फ आदिशेष कर सकता है। उसके बिना नागमणि को वापस लाना असंभव है। आदिशेष मतलब मनुष्य रूपी त्रिशूल कहीं चला गया है गुरुदेव, इसीलिए अब आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। जब सारी परेशानियों की वजह तुम ही हो तो कोई भी उपाय देने का क्या फायदा? जब तुम्हें नागमणि मिली थी तब यदि तुमने उसे निगला नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। ये सब तुम्हारी ही भूल है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। गुरुदेव, कृपा करके मेरी बात सुनिए। ये गुस्सा करने का समय नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं दूसरी व्यवस्था कर चुका हूँ। दूसरी व्यवस्था क्या है वो? और वो भी मुझे कुछ बताए बिना ही? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? ये काम तुमसे नहीं हो पा रहा है इसीलिए मैंने किसी और को सौंप दिया। किंतु गुरुदेव, नागमणि तो मेरे पास। शिवानी, नागमणि के नाम का उच्चार करने की योग्यता तुम खो चुकी हो। चली जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने भी मत आना। निकलो। गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत करके नागमणि को। ए अभिवेकी, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अब यदि तूने एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। युगो युगो तक गरुड़ बनने का श्राप। मुझे श्राप देने पर विवश मत करो, इसीलिए यहाँ से जल्द निकल जाओ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। जाओ माया कपूत, जाओ। आदिशेष के स्थान के बारे में हमें बताओ, हमें उसके पास लेके चलो। अष्ट दिशाओं में वो जहाँ कहीं भी छुपा हो हमें बताओ। ओम ज्वालामालिनी नमः। गुरुजी, आखिर ये क्या? इसका पीछा करते हुए हम अपने ही घर पहुंच गए, मतलब मेरे घर पर। हाँ, माया का पोत कभी भी राह नहीं भटक सकता। जाओ माया का पोत और उस आदिशेष के बारे में हमें बताओ। ये कौन है? तुम जानती हो, सुंदरी नाम की मेरी एक दोस्त थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और वो भी ऐसे ही, जब उसका मन करे मेरे पास आकर मुझसे बातें करती थी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
शक्ति तरंग मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब आदिशेष चाहे कोई भी रूप में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे आसानी से पहचान सकती हूँ। हे महादेव, नमो नमः। क्या हुआ? सुस्त होने के कारण मेरे कंधे पर बैठ गई? उड़ने में परेशानी हो रही है? मैं मदद करूं? माया कपूत बार बार यही कह रहा है कि यही आदिशेष है। आदिशेष मेरे ही घर में है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, गुरुजी ने मुझसे इतने क्रोध में बात क्यों की? मैं नागमणि नागलोक में वापस लेकर आई हूँ, ये बात उन्होंने मुझे बताने तक नहीं दी और क्रोध में चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, नागमणि हासिल करने के लिए उन्होंने कोई दूसरी व्यवस्था की है ये भी कहा। मतलब उन्होंने मुझे जो कार्य दिया था वो अब किसी और को सौंप दिया है। नागलोक से भूलोक जाकर मनुष्य की तरह रहने की शक्ति नागलोक में से कुछ नागों के पास ही है, और वो मैं हूँ, आदिशेष है माँ, और उस मायंगिनी में है। पर वो तो मर चुकी थी, उसके वापस लौटने के पीछे शायद यही कारण होगा। नहीं, महागुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझे ये जानना है तो मुझे नागलोक में शिवानी बनकर नहीं, उस मायांगिनी का रूप लेकर ही जाना होगा। गुरुजी, मतलब ये पुलिस ऑफिसर अभय ही आदिशेष है? ये कैसी परिस्थिति है, अब क्या करें? सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं गुरुजी? किसी भी तरह इसका समाधान निकालिए, अभी के अभी उसे मार दीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो दिग्विजय? अगर उसे मार देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि यही एक है जो नागमणि नागलोक ले जा सकता है। मतलब अभी नागमणि जिसके पास है वो उसे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा, तब हम उसे उससे छीन लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तब तक हमें इसे डर के जीना होगा? अगर जीना है तो डरना होगा। प्रणाम गुरुदेव। जैसा मैंने कहा था, क्या तुम भद्राचल मंदिर गई थी? वहां तप करके तुमने शक्ति हासिल की? मतलब इन्होंने ही मायांगिनी को भूलोक भेजा है, और ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ मायांगिनी, क्या तुम मंदिर गई थी? तुमने शक्ति हासिल की या नहीं? हाँ गुरुदेव, शक्ति हासिल कर ली। जब शक्ति हासिल कर ली तो फिर तुम्हें आदिशेष को ढूंढने जाना चाहिए था ना? उसके बजाय तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने जो तुम्हें ये कार्य सौंपा है कितना जरूरी है तुम जानती नहीं हो क्या? मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मायांगिनी भूलोक पर आदिशेष को ढूंढने के लिए आई है। मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ, मृत्यु पश्चात भी तुम्हें मैंने जीवन दान क्यों दिया है?
भूलोक पर क्यों भेजा है? गुरुदेव, आपने मुझे जिस उद्देश्य से भूलोक पर भेजा है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। मैं आदिशेष को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा मायंगनी, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अघोर कारकोटक अमावस्या के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले तुम्हें शिवानी का संहार करके आदिशेष को साथ लाके नागलोक लौटना होगा। आदिशेष कौन है ये पता लगाने के लिए मैंने महाशक्ति हासिल की है। मैं मेरे प्यार से, मेरी इस सुंदरता से आदिशेष को अपने वश में कर लूंगी। उसके बाद हम दोनों मिलकर नागमणि कहाँ है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद मैं उस शिवानी का संहार करूंगी। आदिशेष कहाँ है ये पूछने पर उस शक्ति ने मुझे यहीं का रास्ता दिखाया था। मतलब मेरा आदिशेष यहीं कहीं पर है। कहाँ हो तुम आदिशेष? कहाँ हो तुम आदिशेष? आदिशेष यहीं कहीं है। हाँ, वो यही कहीं है। तुमने जो शक्ति हासिल की है वो कोई सामान्य शक्ति नहीं है। मनुष्य रूप में यक्ष, गंधर्व, नाग, देव, दानव, किन्नर, किम पुरुष, चाहे कोई भी हो, तुम अपने नग्न नेत्रों से उसका असली रूप पहचान लोगी। ऋषोल के रूप में आदिशेष चाहे भूमंडल में किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुम उसे अवश्य ही पहचान जाओगी। जाओ, जाकर उसका पता लगाओ। उसे पिछले जन्म की बातें याद नहीं है। तुम्हारे सच कहने पर भी उसे कुछ भी याद नहीं आने वाला। इसीलिए तुम्हें उसे धीरे धीरे से सब याद दिलाना होगा। उसके बाद उसके साथ मिलकर नागमणि का पता लगाकर शिवानी का संहार करके नागलोक वापस लौट के आना होगा। एक और आवश्यक सूचना, यह तुम्हें जल्दी करना होगा। अघोर कारकोटक अमावस्या के पहले तुम दोनों को नागलोक वापस लौटना होगा, नहीं तो फिर नागलोक का सर्वनाश हो सकता है। जाओ मायंगनी, जाओ। जो कुछ कहा समझ तो गई हो ना? हाँ गुरुदेव, मैं समझ गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कहाँ है मेरा आदिशेष? कहाँ है? मतलब ये आदिशेष है? पर ये कैसे हो सकता है? आदिशेष का मानव रूप है त्रिशूल, फिर यहाँ अभय, ये आदिशेष की तरह क्यों दिख रहा है? ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो सच है कि यही आदिशेष है, ये बात शिवानी भी नहीं जानती। यही आदिशेष है, ये बात इसने भी छुपाई है। इन सबके पीछे कोई खास वजह है, मुझे पता लगाना होगा। अभय जी, मुझे यहाँ मिलोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
मेरा सारा दर्द दुख पीड़ा आपको देखकर गायब हो गया है। आप ही हो ये जानकर मारो जैसे राहत से मिल गई। मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप यहाँ किसी काम से आए थे या फिर किसी से मिलने आए थे? दोनों चीजें। जिस काम से यहाँ आए थे वो हो गया? होगा, जल्दी होगा। कई बार जब हम कुछ ढूंढना शुरू करते हैं तो वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। ये क्या है? जिस चेहरे पर सूरज से भी ज्यादा निखार होना चाहिए वो चेहरा इतना उदास क्यों दिख रहा है? ये मेरे जीवन में चल रहे और आने वाले संकटों का संकेत है स्वामी जी। सारे ग्रह यदि एक भी हो जाए ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उस ग्रहदेश्वर महेश्वर का आशीर्वाद है तुम पर। महालोक नागलोक की सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। इतने दिन मैं भी यही सोच रही थी स्वामी जी, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी सोच रही थी वो सब झूठ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नागलोक के लिए समर्पित की है, लेकिन अब मैं जिन्हें अपना समझती थी वो मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? अपने लोगों को मारने की साजिश करने के लिए नागलोक वाले मनुष्य की तरह नहीं होते। ये गुण भी प्राप्त कर लिया है। मुझे मारने के लिए नागलोक से मायांकिनी को भूलोक पर भेजा गया है और वो मुझे मारने आई है। मेरे घर में ही रह रही है। ये सब मैं जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ स्वामी जी। क्या ढूंढ रही थी और क्या मिल गया? आप मिल गए ना? मतलब आप मुझे ढूंढ रही थी? आप, मैं जंगल में वॉक कर रही थी, अचानक रास्ता भटक गई। मुझे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे कोई मिल जाए जो मुझे रास्ता बता सकता है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अगर आप ही मुझे आगे का रास्ता बताने वाले हो तो फिर मेरी खोज आप ही के लिए हुई ना। अब वैसे आप भी कुछ यहाँ ढूंढने के लिए आए थे ना? आपको मिल गया? नहीं, लेकिन जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कई बार हम जो सवाल ढूंढते हैं जिस जवाब के खोज में हैं, वो हमारे सामने ही होते हैं। आंखों को दिखाई देते हुए भी ये हमारा जवाब नहीं है ऐसा ही लगता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपके सामने हूँ। What do you mean? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। चलिए चलते हैं, अब से हम दोनों साथ ही चलेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब यहाँ हम दोनों ही है ना, तो हम दोनों ही साथ में चलेंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। क्या सोच रहे हो आप? चलिए चलते हैं। तुमने मेरा हाथ छुड़ा लिया ना, भले ही तुम अभी छुड़ा लो लेकिन आगे तुम खुद मेरा हाथ पकड़ोगे। ऐसा मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे आदिशेष हो, मैं तुम्हारी रानी मायांगिनी हूं। मेरा आदिशेष, मेरा त्रिशूल मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मैं इस परीक्षा को पार नहीं कर पाऊंगी स्वामी जी।
अरे पगली, ये सब उस सर्वेश्वर का खेल ही है। मान लो यदि आदिशेष तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे पीठ पीछे ये जो सब हो रहा है ये तुम्हें पता चलता क्या? हैं? अब तो पता चल गया है ना। अब मुझे मेरे आदिशेष को ढूंढना होगा, उसके बारे में पता लगाना ही होगा। ये बात तो सच है कि नागमणि मेरे पास है, लेकिन उसकी शक्तियों को उपयोग करने वाला आदिशेष मेरे साथ नहीं। मैं उसका पता कैसे लगाऊं स्वामी जी? तुम्हारे पास जो नागमणि है वही तुम्हें आदिशेष के पास ले जा सकती है, ये जानते हुए भी प्रतीक्षा किस बात की? नहीं, ये तो स्वार्थ होगा। नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नागमणि के जरिए आदिशेष का पता लगाना तुम्हारी जवाबदारी है। आदिशेष के जरिए नागमणि को नागलोक तक पहुंचाना तुम्हारा धर्म है और उस देव की इच्छा है। जय भोलेनाथ। अगर मैं नागमणि की सहायता लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आदिशेष कौन है। फिर मैं और मेरा आदिशेष। हमेशा के लिए नागलोक चले जाएंगे।